सीतापुर में पंचायत चुनाव से पहले आखिर उनहत्तर ग्राम प्रधानों पर चुनाव लड़ पाने की क्यों लटकी तलवार इन ग्राम पंचायतों के बासिंदों को जल्द ही शहर की मिलने लगेंगी सुविधाएं वो कौन कौन चार नगर पालिकाएं और एक नगर पंचायत है जिनका होगा सीमा विस्तार किन किन ग्राम पंचायतों को इनसे जोड़ने के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव और किस कस्बे को नई नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की हुई है कवायद प्रधानों को उनकी ग्राम पंचायत को शहर का दर्जा मिलना क्या आ रहा है रास इन तमाम सवालों का उत्तर जानने के लिए आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट देखें सीतापुर की उनहत्तर ग्राम पंचायतों को अगर शहर की सुविधा मिलती है तो वहाँ के प्रधान इस बार प्रधानी नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल ये ग्राम पंचायतें जिले की नगर पालिका परिषद सीतापुर लहरपुर खैराबाद महमूदाबाद और नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद की 10 किलोमीटर सीमा में आती हैं, जिनका सीमा विस्तार कर नगर में शामिल किए जाने का प्रस्ताव जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा शासन को भेजा जा चुका है साथ ही रिलसा कस्बा को नई नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की भी कागजी कार्रवाई की जा चुकी है छह ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की तैयारी है ऐसे में अब यहाँ के प्रधान आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ये अलग बात है कि इन गांवों के बाशिंदों को शहरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी लेकिन ज्यादातर गांव वाले नहीं चाहते हैं कि उन्हें शहर का दर्जा मिले तमाम तरह के टैक्स देने पड़ेंगे इंडिया ने जिन ग्राम पंचायतों को शहर का हिस्सा बनाने की कवायद की गई है वहाँ के बाशिंदों से उनकी राय जानी ग्रामीणों की राय जानने से पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीतापुर की किन किन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किए जाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शासन को प्रस्ताव भेजा है आपको ये भी बताएंगे कि सौदा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों से रेवसा कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए किन किन ग्राम पंचायतों को जोड़ने की कवायद की गई है सबसे पहले 30 वार्डो वाले सीतापुर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार कर 18 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है इनमें कनवा खेड़ा नेपालापुर टिड़वा चिलौला तरीनपुर, सीतापुर महमूदपुर अकबरपुर कला सरैया मलूही पीतपुर बिजवार खुर्द धनीपुर अहता कप्तान सहसापुर भवानीपुर विलियम साहब खूबपुर लक्ष्मणपुर तिलसिया ग्रैंड और बडौरा शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल और गाटा संख्या भी चिन्हित कर लिया गया है राबाद नगर पालिका परिषद में 16 ग्राम पंचायतों को सीमा विस्तार में शामिल किया गया है इनमें टिकरिया लड्डूपुर ललियापुर बाराभारी सौरैया पाठकपुर अर्जुनपुर जमायतपुर कनायतपुर विश्व नगर तकपुरवा कमाल सराय असोड़र माखुपुर मुलायमपुर अकबरगंज शामिल हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद लहरपुर के सीमा विस्तार में 11 ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है इनमें टांडा सालार प्रहलादपुर रूढ़ा भवनाथपुर रायपुरगंज लक्षण नगर नवीन नगर खानपुर सादात बनकट नया गाँव बेहटी राजापुर और हडिया हवेली शामिल हैं। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में 10 ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें चतुआ बिहड़ श्यामदासपुर रवानीपुर लालकला, गुलरा मऊ अब्दुल्लापुर सुकईपुर बाछेपुर बाछलपुर मालसराय और इचौली शामिल हैं। नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद के सीमा विस्तार के लिए आठ ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है इनमें सोहरिया छतांगुर कखरा और तम्बौर आंशिक सरहाना, और शाहपुर बेटा पकौड़ी रोहा चांदी खेड़ा शामिल है इसके अलावा रिओसा कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है जिनमें छह ग्राम पंचायत रिओसा अक्सोहा अमलोरा भौली चंदौली बहमनावा शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों को जोड़कर नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है सीतापुर शहर से सटी पीरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान शिवनाथ यादव कहते हैं कि गांव में गरीब तबके के लोग रहते हैं शहर में गांव को शामिल किए जाने से सुविधाएं भले ही मिलने लगे लेकिन तमाम तरह के टैक्स पड़ने से जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा इसके इसका सोचना यही है कि हमारे यहाँ ज्यादा पीरपुर में बहुत गरीब लोग रहते हैं पचास परसेंट अधिक लोगों और आम, मतलब इसका मेन कारण यही है कि उनका और खर्चे बढ़ जाएंगे बिजली का खर्चा और अन्य चीज़ें बढ़ जाएंगी इससे दिक्कत होगी टैक्स वगैरह हो बढ़ जाएगा सुविधाएं तो बढ़ेंगी लेकिन दिक्कत है सबसे ज़्यादा गरीबी की मकानों टैक्स वैक्स देना पड़ेगा बिजली खर्चा बढ़ जाएगा वैसे तो फिक्स आता है तो विरोध क्या विरोध तो करना चाहिए अगर आपत्ति लगती है तो आप लगाएंगे लगाएंगे अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने आई इंडिया को बताया कि सीमा विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो जाएगी गांव के लोगों को शहर की सुविधाएं मिलने लगेगी तो इसमें हम लोगों ने छह नगर पंचायत नगर पालिकाओं के लिए विस्तार का प्रस्ताव भेजा है इसमें महमूदाबाद नगर पालिका महमूदाबाद में दस गाँव जोड़ने का प्रस्ताव भेजा जो स्वीकृत होकर आया भी है आपत्तियाँ मांगी गई उसमें नगर पालिका परिषद लहरपुर में ग्यारह गाँव जोड़ने का भेजा प्रस्ताव अभी स्वीकृत नहीं हुआ है नगर पंचायत तम्बोर अहमदाबाद में आठ गांव का मिलाने का भेजा है नगर पालिका परिषद सीतापुर में अट्ठारह गांव जो एडजॉइनिंग गांव गाँव है उनका भेजा है नगर पालिका परिषद खैराबाद में सोलह गांव का है नगर पंचायत मोहली में सात गांव का है जो एडजॉइनिंग गांव है इसमें नगर क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं ये प्रस्ताव स्वीकृत होकर केवल महमूदाबाद का आया है आपत्ति अभी मांगी गई है अब जब नगर क्षेत्र में आएगा तो सारी नगरीय सुविधाएं मिलेंगी उनको जब नगरीय सुविधाएं मिलेंगी तो लोग उधर सारे उद्योग भी पनपेंगे लोग रहन सहन बढ़ेगा कई चीजें फिर चेंज तो आता ही नगर क्षेत्र में आने का परिवर्तन तो आता ही ऐसा माना जा रहा है की पंचायत चुनाव ऐसी पहले सीमा विस्तार की कार्रवाई पूरी हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो सीतापुर जिले की उनहत्तर ग्राम पंचायतों के प्रधान इस बार प्रधानी नहीं लड़ सकेंगे लेकिन सभासद का चुनाव लड़ने का मौका उन्हें जरूर मिलेगा आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर अख्तर के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट खबर आपकी नज़र हमारी देखते रहिए आई इंडिया